पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में सड़क पर बने चड्डा ग्रुप के फ्लैट्स पर शुक्रवार को एमडीए का बुलडोजर चल गया। सुबह करीब 8:30 बजे फोर्स के साथ पहुंची एमडीए की टीम ने इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि फ्लैट्स का जितना हिस्सा सड़क पर बना है उसे तोड़ा जाएगा। बता दें कि प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से सड़क पर बने इन फ्लैट्स को काफी पहले तत्कालीन कमिश्नर के दखल के बाद सील कर दिया गया था, तभी से इन पर सील लगी थी। हैरत की बात यह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर सड़क की जमीन पर एमडीए ने इन फ्लैट्स के नक्शे भी पास कर डाले थे। कमिश्नर और डीआईजी के बंगले से चंद कदमों की दूरी पर सड़क पर खड़े ये फ्लैट्स शहर में प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की तस्वीर के रूप में देखे जाते थे। बहरहाल शुक्रवार सुबह इन फ्लैट्स पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सिविल लाइन्स के पॉश एरिया में जहाँ एक तरफ सीपीएच है तो दूसरी तरफ पुलिस अकेडमी, चंद कदमों की दूरी पर कमिश्नर का आवास है। ये पूरा इलाका सरकारी अफसरों की कोठियों से घिरा है। बावजूद इसके सड़क की जमीन पर यहाँ 12 फ्लैट बना लिए गए। 3 मंजिला फ्लैट बनकर खड़े हो गए और एमडीए ने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। पूर्व में कमिश्नर द्वारा कराई गई जांच में साबित हो चुका है कि जमीन सरकारी है, लेकिन इसके बाद भी एमडीए के अधिकारियों ने यहाँ फ्लैट का मानचित्र पास कर दिया था। एक गैलेक्सी अपार्टमेंट है, उसके बगल में जो है गोविंद सहकारी समिति की बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जो है विचलन करके निर्माण कराया था। असमनीय था, उस असमनीय भाग को जो विचलन करके बनाया गया था उसको आज तोड़ा गया है। सर, अमराबाद में और भी कई जगह थे? बिल्कुल बिल्कुल, और भी सारे इसमें डिमोलिशन ऑर्डर हुए हैं, उनके मुताबिक भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हर वीक में इसको तोड़ने का हम लोगों का प्लान है। जो अवैध होंगे उनको निश्चित रूप से ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई कर। सर, कोई नोटिस वगैरह भी दिए गए? बिल्कुल, इनको पूरा सुनवाई का मौका दिया गया है, नोटिस दिया गया है, सुनवाई हुई है और डिमोलिशन ऑर्डर पास किया गया है। उसके बाद भी इनको 1 महीने का समय दिया गया है, अपील का जो समय रहता है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने ये आज कार्रवाई की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।